समर 2024 की सेमिस्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 और जो भी अदर फैकल्टी से उनके भी सेमिस्टर की एग्जामिनेशन जो जो पूरी हुई उसमें से जो जो स्टूडेंट्स के ऊपर यूएफएम लगा है उनका जीटीयू का फाइनली लिस्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लिस्ट देखते नहीं है और बाद में जब ये डेट और टाइम चला जाता है आप वहां पे हाजिर नहीं रहते हो, आपकी कोई भी गलती नहीं होती है तो भी आपके ऊपर यूएफएम कंसिडर हो ही जाता है और फिर कोई चेंज नहीं होता। तो ये वीडियो पूरा देख लेना, ये पीडीएफ एक बार चेक कर लेना, आपका नाम यहाँ पे कहीं पे है कि नहीं वो खास देख लेना। डिग्री के अंदर सेमिस्टर 1, 2, 3, 4 का अभी लिस्ट नहीं आएगा क्योंकि उनकी एग्जामिनेशन चल रही है फेस टू की, वो एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद उनका भी एक लिस्ट आएगा। अभी फिफ्थ से लेकर के 8 सेमिस्टर का लिस्ट यहाँ पे आया हुआ है और अलग अलग कोर्सेज का भी आया हुआ है। तो ये वीडियो में मैं आपको यूएफएम लिस्ट के बारे में ही बताने वाला हूं। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रख दीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। ये जो पीडीएफ है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रियेश विद्यापीठ में रख देंगे, तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो आने से पहले वो लिस्ट आ गया होगा, एक बार टेलीग्राम ग्रुप विजिट करके डाउनलोड करके आपका नाम चेक कर लेना क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ है, पूरा यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। समर 2023 की 24 की यूनिवर्सिटी की एग्जाम का जो यूएफएम का लिस्ट है वो यहाँ पे दिया है। देखो बी सेमिस्टर 5 के स्टूडेंट्स है, यहाँ पे कौन सी पेनल्टी आपके ऊपर लगी है ना, देखो बी वाले स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं 6 सेमिस्टर 7 सेमिस्टर, फिर बी फार्म वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं अलग अलग सेमिस्टर के, है ना। उसके बाद हम थोड़े नीचे जाते हैं, है ना, डिप्लोमा डीआई, है ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी के भी दिख रहे हैं, बी के भी दिख रहे हैं, कितना लिस्ट है बहुत बड़ा, है ना, मास्टर्स का भी लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। टोटल 346 स्टूडेंट्स है। कौन सी पेनल्टी में क्या होगा ये यहाँ पे पेनल्टी डिसाइड करी हुई है, तो ये पूरा लिस्ट आप टेलीग्राम से चेक कर लेना। अब आपको पता होगा कि आपने क्या किया था, है ना, आपका लिस्ट एक कॉलेज में भी गया होगा। अगर आपको पता ही नहीं आपने क्या किया था, वैसे ही नाम आ गया है, तो कॉलेज में जाइए, एग्जाम सेक्शन में जाइए, आपके कोऑर्डिनेटर से मिलिए, उनको बोलिए कि सर मेरा नाम इसमें है, कौन से रीजन से मेरा नाम आया है, और फिर आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो जब यहाँ पे टाइम और डेट लिखा आता है उस टाइम और डेट पे आप यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाइए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर्कुलर में टाइम और डेट को सा प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा इस बार, है ना। हाँ देखो लिखा है, कौन सी डेट पे जाना है, कितने बजे जाना है, सब कुछ लिखा है ना। आपको चांदखेड़ा जो जीटीयू की यूनिवर्सिटी है वहां पे इस टाइम पे हाजिर रहना ही पड़ता है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है इस टाइम पे, वहां पे आप जाते नहीं हो, तो यूएफएम अपने आप यस हो जाएगा। तो खास आप वहां पे पहुंच जाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, फिर जब रिजल्ट आता है तब फेल का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है तब फेल का, तब उसको पता चलता है कि फेल क्यों आया, यूएफएम लगा था और नो डेटा फाउंड होता है किसी को, तो नो डेटा फाउंड क्यों हुआ, यूएफएम लगा था, फिर बाद में कुछ होता नहीं है। तो आप कॉलेज में मिल लेना, आपने अगर कुछ किया नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाना, आप जो कुछ भी सच बोलोगे अगर कंसीडर किया जाता है तो ये यूएफएम आपके ऊपर से हट भी जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि जिनका जिनका नाम हो उनको पता चल जाए। जब फेस टू का भी आएगा सेम 1, 2, 4 तब उनका भी वीडियो हम बना देंगे। तो मिलता है ऐसी कोई नई अपडेट के साथ, तिलक बाय, ठीक है।